गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संदीप कौर, योर सोशल साइंस टीचर. एंड टुडे दिस इज आवर लास्ट टॉपिक एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो ऑफ द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म. ठीक है. एंड बेटा ये जरा पैरा आप पढ़ा हूँ, ये पैरा जरा है कलैक्टिवाइजेशन का ही एक पार्ट है. ठीक है. कलैक्टिवाइजेशन जो कुछ जोड़े होंगे ने पार्टी के मैंबरस ही ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे ने, कह सकते हैं कि वो इस कन्फ्यूजन के विच आते हैं कि मतलब जी प्लैंड इकोनमी है. ठीक है. वो की नतीजे निकल रहे हैं ज इंडस्ट्रियलाइज जी प्रोडक्शन है वह किमें बढ़ रही है, जड़े कलैक्टिवाइजेशन है वो की जड़े ने कॉन्सिक्वेंसिज ने सामने आ रहे हैं. सो इन सब चीज़ों लैके जो पार्टी का स्टालिन का क्रिटिसिजम जरा होना शुरू हों पार्टी के दैन स्टालिन ज और जोड़े वाले जो साथी होंगे ने करते हैं कि जो क्रिटिक्स होंगे ने जड़े जे कि इवें आलोचना कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ जोड़ा है वह इवें दे चार्जस लगाते हैं कि वह सोशलिज्म के अगेंस्ट जो साजिश रच रहे हैं और इस सोशलिस्ट गवर्नमेंट न खत्म करना चाहते हैं. ठीक है. इहदे नाल ही कहिंदे कि बहुत सारे जिहड़े एवें दे जिहड़ियां एक्यूजेशनस मतलब बहुत सारे लोगों के उत्ते एवें दे दोष लाए गए और 1939 तक कहिंदे कि 2 मिलियन जिहड़े लोग हीगे यानी कि 20 लाख के करीब एवें दे लोग हीगे जिन्हां उत्ते एवें दे दोष लगा के उन्होंने जेल च भेजा गया जां लेबर कैंप्स दे विच भेजा गया. ठीक है. लेकिन मोस्ट ऑफ दैम वर इनोसेंट्स. ठीक है. ज्यादातर उन्होंने विचों इनोसेंट्स सीगे, उन्होंने इन्ना भी नहीं पता कि असीं क्राइम की कीता है. ठीक है. जिवें कुछ लोग जिहड़े कलैक्टिवाइजेशन दे अंडर अपने खेत नहीं ही देना चाहुंदे. ठीक है. उन्हां नूं वी इहदे अंडर उन्होंने चार्ज कीता कि उन्होंने सोशलिज्म दे अगेंस्ट कोई साजिश करने की कोशिश कीती है. ठीक है. सो ये जिहड़े 2 मिलियन लोग हीगे ये आलमोस्ट जिहड़े हीगे जेलां विच दित्ते जा चुके हीगे. ठीक है. बट कोई भी उन्हां वास्ते उस टाइम ते बोलण वाला नहीं सीगा, क्योंकि अगर उन्हां लई कोई बोलदा तां दैन उहनूं वी इसे जेल दे विच सुट दित्ता जांदा. सो इन्हां विचों बहुत सारे एवें दे लोग हैगे जिन्हां नूं मतलब फाल्स कन्फेशनस की हुंदा है कि जिहदे विच जबरदस्ती किसी नूं मनवाया जांदा है और उहदे साइन करवा ले जांदे है कि हाँ मैं आह वाला अपराध कीता है जां मैं आह साजिश रची सीगी. ठीक है. फाल्स चार्जस दे अंडर जदों किसी नूं मतलब कई तरह का टॉर्चर करके उहदे कोलों साइन करवा ले जांदे जां उहनूं मनाया जांदा धक्के नाल कि तुसीं कहना है कि मतलब हाँ मैं आह वाला जिहड़ा कोई क्राइम है वह किया है, जो कि असल में उन्हें किया नहीं होंगे. ठीक है. सो एवें दे काफ़ी सारे जिहड़े लोग सीगे जिन्हां दे उत्ते एवें जिन्हां कन्फेस कराया गया इवें करके. ठीक है. और उन्हां नूं इन्हां चार्जस दे अंडर ही कईआं नूं उन्हां विचों एग्जीक्यूट कर दिता गया, यानी कि उन्हां नूं फांसी दे दिती गई. बहुत सारे लोग इन्हां विच ओह ही जिहड़े टैलेंटड प्रोफेशनल सीगे. ठीक है. जिन्हां दे कोल कोई कला सीगी और गवर्नमेंट ना सिर्फ एग्री ना होने का करके उन्होंने नाल एवें किया गया. नैक्सट बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR. सो जिहड़ा रशिया हैगा उहदा एक दुनिया के उत्ते किवें दा इफेक्ट रहा. कहिंदे कि जिहड़ा सोशलिस्ट पार्टी सीगियां यूरोप दे विच, ठीक है, अज भी हैगियां ने, लेकिन वह अज भी इस चीज़ नूं अप्रूव पूरी तरह नहीं करदियां कि जो बोलशिविक्स ने किया रशिया विच वह पूरी तरह सही है. ठीक है. जां अपनी पावर नूं बनाई रखने लई जो उन्होंने किया वह पूरी तरह सही हैगा. हालांकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जरूर है कि जदों एक रेवोल्यूशन हुंदा है रशिया दे विच, दैन यह सर सर जिहड़े हैगे ने वर्करस ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दे विच रह रहे ने. ठीक है. उन्हां दे दिमाग दे विच एकदम आउंदा है कि अगर रशिया च हो सकदा है दैन साडे नेशन दे विच भी हो सकता है. ठीक है. सो इसे नूं लैके बहुत सारे राज्यां दे विच कम्यूनिस्ट पार्टीज बनिया, जिवें कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है. और जिहड़े बोलशविक सीगे उन्होंने इन्हां सारियां पार्टीज नूं इनकर्ज किया, खास तौर पर कलोनियल जिहड़े लोग सीगे. कलोनियल लोग कहड़े सीगे, जिवें इंडिया सीगा ब्रिटिश दे अंडर, इसे तरह बहुत सारे कॉन्टीनेंट्स विच बहुत सारिया कंट्रीज सीगियां जिहड़ियां उस टाइम ते कलोनी सीगियां पावरफुल नेशनस दियां. ठीक है. सो उन्होंने बोलशविक्स ने ज्यादा इनकर्ज किन्हां नूं कीता, कलोनियल पीपल्स नूं कीता, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपलॉयट हो रहे हैं किन्हां कोलों जिहड़े कलोनियल जिहड़े पावरफुल जिहड़े नेशन सीगे जिन्हां दे अंडर वह रह रहे हैं. ठीक है. सो बहुत सारे नॉन रशियनस जिहड़े हैगे वह रशिया आउण लगे और रशिया आके कई तरह जिहड़े हैगे वह पार्टीसिपेट करदे हैगे इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ
द ईस्ट। ठीक है, एक तरीके की कॉन्फ्रेंस होंगी ही जिद रिगार्डिंग जो डिस्कस किया जाता है। नैक्सट है द बोल्शविक फाउंडर कॉमिनटर्न। ठीक है, एक कॉमन इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है लोगों को प्रोवाइड किया गया ताकि वह इतने आ गए दैन इंटरनेशनल लैवल से जोड़ा है सोशलिज्म किवें अपलाई किया जाए इस चीज़ के लिए प्लैन बनाए जा सकन। ठीक है, सो कुछ कहते कि कुछ लोग जो डिफरेंट पार्ट्स तो आते डिफरेंट नेशनस तो आते हैं उन्होंने रशिया जी कम्यूनिस्ट यूनीवर्सिटी ही कम्यूनिस्ट यूनीवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग पढ़ने लिए आते हैं जिड़े कि सोशलिज्म कम्यूनिजम इंटरस्ट रखते हैं। ठीक है, और इतने आके वो अपनी पढ़ते है और इस चीज़ में जाके अपने नेशन में अपलाई करने की कोशिश करते है। ठीक है, बट कहते जिमें सैकेंड वर्ल्ड वॉर जरा शुरू हों जरा USSR है उदो तक जरा सोशलिज्म एक ग्लोबल फेस दे चुका हों एक वर्ल्ड लैवल का एक स्टेटस जरा दे चुका हों। ठीक है, नैक्सट है कि कहते कि 1950 तक जरा USSR की जी गवर्नमेंट सी। ठीक है, उन्होंने ये मनिया जाने लग पाया कि मतलब जेडे जेडे आइडियल्स लैके चले सी जेडे रूल्स नॉर्म्स लैके चली सी USSR की गवर्नमेंट ज बोल्शविक गवर्नमेंट जी 1970s जो रूल्स को नॉर्म्स उन्होंने आइडियल्स पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि उन्होंने आइडियल्स तो अपने जो विचार लैके चले ही उन्होंने पूरी तरह जी रशियन रेवोल्यूशन जो विचार है आइडियल्स उन्होंने रशियन गवर्नमेंट पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाई पूरी तरह बना के नहीं रख पाई। ठीक है, इस दे नाल ही बच्चे होर जिहड़ा हैगा ओह एक वर्ड दे विच जिहड़ा हैगा वर्ड दा जिहड़ी सोशलिस्ट मूवमेंट हैगी उहनां नूं भी मतलब ओह भी एवें देखण लगे कि जिवें जिहड़ा रशिया दे विच है ओह सब कुछ ठीक नहीं है जिवें भी एक बैकवर्ड कंट्री हैगी रशिया और उहदे तों बाद एक ग्रेट पावर बन गई दो पावर सीगियां उस टाइम ते जिवें वर्ल्ड दे विच एक अमेरिका सीगा और दूसरा रशिया सीगा। ठीक है, और इहदी इंडस्ट्री होए एग्रीकल्चर होए बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हुई हर एक जिहड़ा गरीब हैगा उहनूं खाणा मिल रहा हैगा। ठीक है, सो इहदे इहनां सारे चीज़ां दे विच भी जिहड़े लोग सीगे उहनां नूं लग रहा हैगा कि कुछ ना कुछ रशिया दे विच एवें आ जो ठीक नहीं चल रहा। और ठीक नहीं चल रहा की सीगा कि जिहड़ियां लोगों की फ्रीडम सीगी वह उन्होंने प्रोपरली नहीं मिल रही। ठीक है, और डिफरेंट जिहड़ियां प्रोग्रेस हुई हैगी जिहड़ियां पॉलिसीज जां डिफरेंट जिहड़े प्लांट्स बने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां रिप्रेसिव पॉलिसीज जिहड़ियां हैगियां गवर्नमेंट ने अपनाइया हैगियां। और नैक्सट है कि जो 20th century जी आलमोस्ट खत्म होने पर आई है बेटा 1991 इंटरनेशनल जी रेपूटेशन ही USSR की आलमोस्ट खत्म हो चुकी हैगी। ठीक है, और सोशलिस्ट आइडियाज जेडे हालांकि उन्होंने अज भी रिस्पैक्ट दी जाती है रशिया के लेकिन उस टाइम मतलब जो एक यूनिटी बनाए रखना USSR यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया मेनटेन कर पाना मुश्किल हो गया और 1989 तो 1991 तक जोड़े है वो काफ़ी सारे देश जोड़े है वो रशिया तो अलग हो गए और रशिया जोड़ा वो एक अलग नेशन बन गया। हालांकि रशिया अज भी लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड का बट ये अर्मेनिया ठीक है अजरबेजान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान एंड तजाकिस्तान ठीक है इवें जे काफ़ी सारे 9-10 नेशनस ने जोड़े इन्ह तो निकल के आए आ। ठीक है, सो ये सारे नेशनस जोड़े ने पेल्ला USSR का पार्ट ही है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि काफ़ी सारिया स्टेट्स बनया तो बन के मिलके बनया हो रशिया दैन इन्हों अलग हो जाने जोड़ा है हूँ आप जो रशिया प्रोनाउंस करते हैं जब कितने भी रशिया पढ़ते हैं आप जस्ट एज इट रशिया पढ़ते हैं। ठीक है, कंट्री का नाम रशिया पढ़ते हैं यानी कि हूँ उस यूनाइटेड स्टेट्स वर्गा कुछ नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि सारिया स्टेट्स यूनाइट हुई हैं हो गई ने अलग हो गई ने। ठीक है, सो इसे तरीके नाल हालांकि अज भी सोशलिस्ट जेडे आइडियाज ने उन्होंने रिस्पैक्ट दी जाती है हाल अज भी उन्होंने फॉलो किया जाता है कितना कितने लोग ही पसंद करते हैं। ठीक है, बट ए जो हर एक कंट्री के सोशलिज्म हैगा जिवें इंडिया दे विच भी अपनी प्रीएम्बल जी भी सोशलिस्ट स्टेट दस्या गया इंडिया नू सो हर एक जेड़ा नेशन सीगा उन्हें सोशलिज्म दे आइडिया नू रीथिंक किया। ठीक है, रीथॉट किया डिफरेंट वेज के नाल हुण इंडिया में भी जिहड़ा एक तरीके इंडियन सोशलिस्ट
स्टेट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਪਟੋਪ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੀਚੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਥੈਂਕ ਯੂ